यानी कि जो हम जो महिलाएं होती है आयुर्वेदिक गोली खास करके आपको पता है प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर भी उसको देते हैं लिखते हैं ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअल जो है ना उसमें आयरन के नाम पे मैं आपको ये बिल्कुल फिजिकल तरीके से दिखाऊंगा उसमें एक्चुअल होता क्या है ठीक है। तो ये जो हमारा ये भी क्या है एक तरीके का आयरन है ठीक है। लेकिन आयरन ये क्या है पूरी जो है ना नेचुरल है नेचुरल यानी प्राकृतिक है जो बकरी और पालक में होता है ठीक है। तो इसका हम डेमो करने जा रहे हैं ठीक है। कितने लोगों ने नहीं देखा है आपने भी नहीं देखा कोई बात नहीं ठीक है। आपने देखा है आपने भी नहीं देखा आपने बहुत सारे लोग हैं जो नहीं देखा हुआ है ठीक है। तो ये जो है ना ये बहुत ही कारगर है ठीक है। इसमें बहुत सारे विटामिन है ठीक है। ये नेचुरल कैसे है इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल तरीके से करके मैं दिखाता हूँ ठीक है जी। आपने इस्तेमाल भी किया होगा कई लोगों ने इस्तेमाल भी किया होगा ठीक है। इसके बेनिफिट भी पता होगा ठीक है। तो ज्यादा ना बताते हुए मैं इसके जो ना प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ये है क्या ठीक है। और ये देखिए एक काफी फेमस जो है ना हमारी ये मार्केट की जो है ना ये आयरन की गोली है जो महिलाएं जो ना प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है इसको मतलब खाते हैं ठीक है। तो रियलिटी क्या है इसकी ये आप लोग देखिए और फिर आप लोग जो है ना आप लोग बताने में आसानी होगी ठीक है किसी को। तो इसका मैं क्या करता हूँ कैप्सूल ले रखा हूँ इसको एक जो पेपर है पेपर के ऊपर ये जब इसको फोल्ड करके हम क्या करेंगे ठीक है। नहीं नहीं ये इसपे लिखा हुआ बहुत ही फेमस जो है ना ये देखिए लिखा हुआ है आयरन की एक्चुअल कैप्सूल है ठीक है। और ये भी कोई महंगा नहीं है ये भी कॉस्टली होता है ठीक है। तो देखो ये क्या मैंने किया ये आपके सामने किया खोल करके जो है ना ये सामने ये टेप पे मैंने रखा हुआ है। और ये क्या है ये मैग्नेट है ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा ठीक है। ये क्या है चुंबक है अभी इसके ऊपर हम जैसे ही रखेंगे देखना क्या होता है ये देखिए क्या हुआ कुछ बताने की जरूरत है आप लोगों ये चिपक गई लोहा है ये क्या है आयरन के नाम पे क्या है ये लोहे का चूर्ण है यानी कि ये वाकई क्या है ये लोहे के कण है। बताओ ये आदमी की शरीर में जब आदमी इसको जब इस्तेमाल महिलाएं हमारे जो भी हमारे महिलाएं जो करेगी इसका क्या होगा ये पेट पे डाइजेस्ट होगा ये वाकई क्या है लोहे के चूर्ण है ठीक है। तो देखो कितनी बड़ी धोखाधड़ी है मैं किसी उसके खिलाफ नहीं हो लेकिन ये आप लोगों के सामने सच है ये देख लीजिए ठीक है ये है क्या ठीक है। और ये जो हमारी जो टियांस ऑर्गेनाइजेशन का जो एपी प्लस है यानी जो आयरन है ठीक है उसको भी हम दिखाएंगे इसमें क्या है ठीक है। ये नेचुरल किस तरीके से है ठीक है। और ये क्या है ये 1250 जो साइंटिस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ठीक है वो लोग जो है ना इसको जो है ना कई सालों की रिसर्च करने के बाद इसको जो है ना इसका निर्माण हुआ है इसको बनाया हुआ है ठीक है। तो चलिए आपने तो ये देख लिया मार्केट का आयरन ठीक है क्लियर है। अब ये जो है हमारी ये टियांस ऑर्गेनाइजेशन का एफी प्लस यानी कि ये भी आयरन की गोली है ठीक है। और इसको आप लोग थोड़ा सा करीब होकर देखिएगा मैं इसको भी इसको भी आप देखिए क्या इसके अंदर ये चुंबक है चुंबक चिपक रहा है चुंबक में ठीक है। इसको भी देखिए इसके ऊपर हम पूरा लगा रहे हैं और रिजल्ट आपके सामने है देखिए दिख रहे हैं ना क्या हुआ ये क्यों नहीं चिपका क्योंकि ये एक्चुअल जो है नेचुरल जो है ना प्राकृतिक तरीके से ये जो है ना आयरन है ये जो बथुए और पालक से जो इसे निकाला हुआ है ये आयरन है ठीक है। तो ये जो है ना ये क्या करेगा हमारे डाइजेस्ट तो बड़े आराम से हो जाएगा तो ये क्या करेगा ये हमें पूरा 100% जो है ना इसे रिजल्ट मिलेगा ठीक है। तो ये चीज है इस तरीके के जो है ना हमारे आप लोग समझ गए ना किस तरीके से हमारे धोखाधड़ी हो रही है ठीक है। और खास करके जब हमारे घर की जो प्रेगनेंसी महिलाएं होती है आप कहीं भी किसी सरकारी संस्था में चले जाइए तो ये जो है ना ये लिखती है बोलती है आयरन की गोली आपको खाना अनिवार्य है क्योंकि बच्चे क्या होगा बच्चे हर्ष पुष्ट होंगे पता है ये जब ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा बच्चा पेट में ये तभी क्या होगा कुपोषण हो जाएगा कुपोषण का शिकार हो जाएगा है कि नहीं क्या मैं सही कह रहा हूँ। Yes, तो ये चीज है ठीक है। तो क्या करना है हमें लोगों को जो है ना ये जागरूकता फैलानी है ठीक है। हमें लोग बता हम जब इस तरीके का डेमो देके लोगों को बताएंगे तभी लोगों की जो है ना आंखें खुलेगी ठीक है। तो हमारा काम जो है ना हमें क्या किया और ईश्वर ने हमें चुना है ठीक है ईश्वर ने हमें कोई
ईश्वर ने चुना है कि हम हर लोगों के पास, हर महिलाओं के पास, हर व्यक्तियों के पास जाकर के और हमें इस चीज को बताना है, दिखाना है और उनका जो है ना उनकी सेहत बचाना है, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा, बच्चे बिल्कुल नेचुरल, जब ये नेचुरल चीज खाएगा तो क्या होगा, बच्चा उस शिशु क्या होगा, हस्पुष्ट होगा, उसे फ्यूचर में कभी कुपोषण हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ताली बजाइए ना इस पे। उसका बाथरूम रुक गया और जब टेस्ट किया ना तो उसके भी मतलब यहाँ पे जो पथरी आ गई 3 महीने के बच्चे के। तो मैं यही सोच रही की 3 महीने का बच्चा क्या खा रहा है, हम तो वो बाहर की चीजें भी खा रहे। बिल्कुल सही कहा, देखिए इसी तरीके से क्या होता है, बहुत ही बड़ा जो ना एक क्या बताइए कि क्या होता है, गवर्नमेंट को कहना देनी चाहिए, बहुत बहुत मोटी जो है रकम उसको टैक्स के रूप में मिलती है, ठीक है। तो ये हमें खुद इस चीज को समझना है, हमें समझना है, ठीक है। और इस चीज की जो है ना हमें जागरूकता फैलानी है, क्योंकि होता क्या है हमारे जो जो ये एलोपैथी में, देखो मैं एलोपैथी के खिलाफ नहीं हूँ, बढ़िया है, ठीक है, लेकिन वो हर जगह ये काम नहीं आता, ठीक है। इमरजेंसी पीरियड के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये जो क्या करते हैं हमारे ये क्या होता है, जब अस्पताल में जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या इस तरीके से पता है, वो बच्चा जो होगा कुपोषण होगा, वो क्या होगा, वो हमेशा ही जो है ना उसको क्या होगा, जरा सी कहीं मौसम चेंज होगा उसको क्या होगा, फीवर होगा, कई तरह का जाएगा उसको वायरस जो है ना पकड़ेगा, और वो क्या होगा, बच्चा पैदा होने के बाद ही है कि नहीं उसको लेके डॉक्टर के पास दौड़ो, ठीक है। तो क्या है, डॉक्टर आइए तो उनका एक उनका धंधा है, ये क्या बिजनेस है, उनको एक तरीके से आप एक क्या करते हैं, दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आपसे है कि नहीं। तो ये चीज है, कहना तो वैसे हमें नहीं चाहिए। तो चलिए आप लोग किधर होंगे ना, अभी नहीं हुआ, बूढ़ा गुलाब, अच्छा ये वाइट, हाँ बोलिए, इसमें बूढ़ा गुलाब, ये बाकी में ऑर्गेनिक है या नहीं। चलिए सर आपको थोड़ा सा और भी आगे चीजें और एक्सप्लेन करके बताने जा रहे हैं, थोड़ा आपको ध्यान से देखिए, ठीक है। ग्रीन हो जाएगा और इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे लोग कहते हैं लोहे के बर्तन में खाना बनाते हैं आयरन आता और तो ये मतलब गोली में वो लोहे का दाना डाल के आयरन के गोली बनाया गया है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें आप ले सकते हो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पी जाओ इसे, ठीक है, नेचुरल है, क्यों इसके अनुसार, अच्छा अच्छा चलो गिलास कर जो लोग तम्बाकू माकू खाते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, पीला पीला है ये हल्दी का है थोड़ा सा, चलिए कितने लोग हैं जो अब तक सिनेमा का डेमो नहीं देखा है।